आप सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलिसिया की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम यहोशु 14 अध्याय से 19 अध्याय तक हम अध्ययन करेंगे, जो खासकर की पिछले सप्ताह वचन प्रचार हुआ था। और इन दिनों में हम यहोशु की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर अभी तक हमने किस प्रकार से परमेश्वर ने इसराइलियों को एक नए देश जो कनान देश में उनको जाना था, पूरा उस सफ़र में किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी मदद की, और ख़ास कर की कनान देश में किस प्रकार से उन्होंने विजय पाई, परमेश्वर ने उनको किस प्रकार से तमाम युद्धों को जीतने के लिए, तमाम युद्धों पर विजय पाने के लिए अनुग्रह किया, हमने उन तमाम सारी बातों को देखा अभी तक। और ख़ास कर की अभी तक जो हम 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक जो अभी तक हम अध्ययन कर चुके हैं, हमने इस यहोशु की पुस्तक को एक टाइटल दिया है जो है हमारा वादा पालन करने वाला परमेश्वर। और वाकई में ये एक बहुत ही एक सुंदर चीज़ हमें इस यहोशु की पुस्तक में मिलती है, जहां परमेश्वर ने जो वादे किए थे इज़राइल के लोगों से, यहां पर उन तमाम वादों को परमेश्वर ने किस प्रकार से पूरा किया है, उन सब का वर्णन हमें मिलता है। और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं 14 अध्याय से लेके 19 अध्याय तक, उसको हम उसको हमने एक टाइटल दिया है जिसका नाम है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रति हमारी प्रतिक्रिया। अगर आप 14 अध्याय से लेके 19 अध्याय तक पढ़ेंगे, तो अभी तक हम वहां पर देखते हैं कि उन्होंने तमाम जो कनान देश में तमाम जो भूमि थी उस पर उन्होंने विजय प्राप्त कर चुके हैं, और उस भूमि का बंटवारा इज़राइल के जो गोत्र हैं, इज़राइल के जो बीच लोग हैं, उनके बीच में वो बांटी जा रही है। और यहाँ देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर चीज हमें देखने को मिलती है कि इज़राइल के लोग बहुत ही कोई स्पेशल लोग नहीं थे, वो कोई अलग लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता थी, परमेश्वर का जो प्रेम उनके साथ था, इस कारण से परमेश्वर अपना वादा उनके प्रति निभा रहा है। और यही सब कुछ हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर बहुत ही महान है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अगर आप व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसके 7 से 8 को पढ़ेंगे, तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथों के द्वारा दास्त के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका कारण यह है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और यह शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई है। यहां पर हम बिल्कुल इस चीज को साफ तौर पे देखते हैं कि इज़राइल के लोग बिल्कुल भी स्पेशल, बिल्कुल भी अलग लोग नहीं थे, वो गिनती में भी थोड़े थे, उनके पास कोई स्पेशल ऐसा सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रेम रखते थे। परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से जो शपथ खाई थी, उसके प्रति परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता थी, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया और उस कनान देश में तमाम चीज़ों से ऊपर उभरने के लिए, तमाम युद्धों को जीतने के लिए परमेश्वर ने उनकी मदद की। इसके साथ ही हम आगे देखते हैं कि इज़राइल के लोगों का जैसा जीवन था, परमेश्वर ने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के प्रति बगावत किया, उन्होंने विद्रोह किया। वैसा ही हमारा भी जीवन है, हम भी कई बार परमेश्वर के प्रति विद्रोही हो जाते हैं, मतलबी हो जाते हैं, मूर्ति पूजा की तरफ आगे बढ़ने पड़ते हैं। हम मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि हम किसी देवी देवता को पूज रहे हैं, बल्कि खास करके किसी व्यक्ति या वस्तु को हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व देने लगते हैं और हम अपने आत्मिक जीवन को लगातार भ्रष्ट करने लगते हैं। और इस प्रकार से हम भी परमेश्वर का जो प्रेम है, हम उसको नज़रअंदाज करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज अगर आप इस वचन को परमेश्वर की ओर से सुन रहे हैं,
तो ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना से पहले उन तमाम सारी चीजों को हमारे लिए पहले से योजना बनाकर रखी है, जो आज आज इसलिए आप परमेश्वर के उस अनुग्रह की वजह से इन तमाम सच्चाइयों को आज के वचन के द्वारा जान पा रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर हमें अपने पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकार किया है, हमें अपने बच्चों के रूप में स्वीकार किया है, और इसलिए परमेश्वर की करुणा हमारे साथ है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा हमारे पास्टर जो सजू हैं, उनकी वाइफ जेन है, जो पिछले साल वो एक सर्जरी में गई थी, और वो बहुत ही एक कठिन समय था उनके लिए। तमाम सारी जो चीज़ें थी उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो आज भी अपने वचनों में, अपनी गवाहियों में इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया है और परमेश्वर ने उनके लिए हर एक व्यवस्था की, चाहे तो उनको इमोशनली जो सपोर्ट चाहिए था, चाहे तो फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट चाहिए था, चर्च फैमिली की तरफ से, उनकी अपनी फैमिली की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से परमेश्वर ने उनके उनसे उनको प्यार दिलाया, परमेश्वर ने उनको उन तमाम चीज़ों के द्वारा उनके जीवन में शांति दिलाई, और वह आज भी इन चीज़ों को अपनी गवाहियों में जिक्र करते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं जहां हमें परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है, परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, उसको परमेश्वर ने कई सारे तरीकों से हम पर प्रकट किया है, और उन सब में सबसे बड़ा तरीका है कि मसीह में हमें स्वतंत्रता महसूस होती है। अगर आज आप इस चीज़ में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप इस चीज़ को बेहद बहुत ही सरल तौर पे जानते हैं कि हम पापी थे, हम पाप में थे, और अपने पापों से कभी भी बाहर उभर नहीं सकते थे, हमारे पापों की कीमत हम अपने आप कभी भी नहीं चुका सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पर भेज दिया, ताकि जो मृत्यु, जो पाप की मृत्यु हमें मिलनी थी, वो मृत्यु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली और अपने लहू बहाने से हमारे पापों की कीमत चुकाई, और हमें अनंत जीवन, अर्थात ऐसा जीवन जहां हम परमेश्वर के साथ हमेशा और हमेशा के साथ रहेंगे, वो जीवन हमें दिया। और यीशु मसीह ने इस पूरी आज्ञाकारिता को बहुत ही आज्ञाकारिता के साथ इन सारी चीजों को पूरा किया है, और वाकई में परमेश्वर के प्रेम के खातिर वो क्षमा, वो पापों की क्षमा हमें मिली, वो पापों का दंड हमसे दूर हो चुका था। और इसलिए आज हम निश्चित तौर पर हम इस चीज़ को देखते हैं कि इसराइलियों को कनान देश मिल चुका है, उनके जितने भी गोत्र हैं उनको वो जो जमीन है, जो वहाँ की भूमि है, वो उनके बीच में बांट दी गई है, और वो इन सारी आशीषों को लेकर आनंदित हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी आशीष जो उनके लिए है, वो है परमेश्वर स्वयं उनके बीच में उपस्थित हैं। अगर आप बाइबल के दूसरे वचनों पर देखेंगे, तो वहाँ इस चीज़ को आप ध्यान कर पाएंगे कि उनके बीच में एक वाचा का संदूक था, जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, जो उनके बीच में रहा करता था, और वो परमेश्वर के लिए अपने बलिदान चढ़ाते थे और परमेश्वर से अपने पापों के प्रति क्षमा भी मांगते थे। और इस प्रकार से ये उनके लिए एक बड़ी आशीष थी कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में वास करती थी। और वाकई में आज हम मसीह में उसकी विश्वास योग्यता का अनुभव कर रहे हैं, तो क्या हम इस चीज को बिल्कुल भी ना सोचे कि परमेश्वर की हमारे प्रति क्या अपेक्षा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मेरे प्रियो, आगे जो दो पॉइंट हैं, हमने इस 14 अध्याय से लेकर 19 अध्याय को अध्ययन करके दो पॉइंटों में उसको डिवाइड किया है, तो उसमें उस पॉइंटों में आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारे लिए विश्वास योग्य रहे, और इसलिए परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता जो हमारे लिए है, परमेश्वर उसके प्रति हमसे
क्या प्रतिक्रिया चाहते हैं परमेश्वर हमसे, क्या चाहते हैं, हम उन दो चीजों को देखना चाहेंगे आगे। और उसमें से जो पहला पॉइंट है वो हम इस 14 से 19 के बीच में हम पढ़ते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था की है और परमेश्वर ने जो प्रावधान किया है, जो परमेश्वर ने सब कुछ उन्हें दिया है और हमें दिया है, उसके प्रति हमें खुश होना चाहिए, उसके प्रति हमारे अंदर संतुष्टि होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर हमारे लिए किया है उसके प्रति हम संतुष्ट रहें और आनंदित रहें। हम देखते हैं कि इजरायली लोगों के पास एक बड़ा जमीन का टुकड़ा उन्हें मिल चुका है और वो उनके बीचों में बांटा गया है। लेकिन आप सोचें इस चीज को कि जो जमीन का टुकड़ा है वो जमीन नदी के भी किनारे है, वो जमीन पथरीली भी है, वो जमीन पहाड़ों की चोटी पर भी है, वो जमीन जंगल के बीच में भी है। और वाकई में जब उन लोगों के, उन इजरायली गोत्रों के बीच में जब वो जमीन बांटी गई, तो वो जमीन उनके बीच में एक बराबर तौर पर नहीं बांटी गई होगी। किसी को पथरीली भूमि मिली होगी, किसी को बहुत ही उपजाऊ भूमि मिली होगी, किसी को पहाड़ की चोटी पर भी मिली होगी। तो क्या हम ये सोचें, हम ये इन सब चीजों को यहोशू ने और वहां के जो बड़े लोग थे, वहां के जो एल्डर्स थे, उन्होंने इन चीजों को कैसे किया? क्योंकि इसके बीच में तो बड़ी आसानी से झगड़ा हो सकता है ना, कि अगर आप किसी को पथरीली भूमि दें और वो कहे कि मुझे तो उपजाऊ भूमि चाहिए, तो परमेश्वर ने इसकी व्यवस्था उनके लिए की, परमेश्वर ने इनके लिए चिट्ठियां डलवाई। अगर आप यहोशू 14 अध्याय उसके 2 पद को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर दिए गए। परमेश्वर ने उनके बीच में चिट्ठियां डाली और जो भाग जिसको मिला उसमें वो संतुष्ट हुए, उसमें वो स्वीकार किए। और अगर आप यहोशू 14 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलता है, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग ना दिया गया, केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को चराइयां उनको मिली, लेवियों को कुछ भाग ना दिया गया। और आप इसको देखकर कई बार ये महसूस करते होंगे कि परमेश्वर ने उनके साथ शायद अन्याय किया, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उनके लिए जो योजना बनाई और परमेश्वर ने उस योजना को उनके जीवन में प्रकट किया, और जो भी परमेश्वर ने उनके लिए प्रावधान किया, जो भी उनके लिए व्यवस्था की, उन्होंने उसको बहुत ही संतुष्टि और आनंद के साथ स्वीकार किया। नया नियम में मत्ती 25 अध्याय उसके 14 से 30 में एक दृष्टांत का वर्णन यीशु मसीह के द्वारा किया गया है। वहां पर एक स्वामी का जिक्र है, जो स्वामी अपने सेवकों को तोड़े देता है। तोड़े अर्थात आज के समय में हम उसको रुपया या पैसा के तौर पे हम देख सकते हैं। तो वो अपने 3 दासों को, एक को 10 तोड़े देता है, एक को 5 तोड़े देता है, इसको एक को 1 तोड़ा देता है, और वो उनको वो चीजें देता है, और कई सालों तक वो विदेश चला जाता है और वो फिर लौट कर आता है। तो जो जिसको 10 तोड़े दिए गए थे वो 20 तोड़े में उसको बदल देता है, जो 5 दिए गए थे वो उसको 5 को कमा के उसको 10 कर देता है, और जिसको 1 दिया गया था वो उसको बिल्कुल भी उसको पूरा नहीं करता। तो हम यहाँ देखते हैं कि हो सकता है 10 वाले ने मेहनत की और उसने 10 से 10 बनाए, 5 वाले ने मेहनत की उसने 5 से 5 बनाए, और 1 वाले ने कोई भी मेहनत की नहीं की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें दिया हूँ उसके बदले में तुम मुझे उतना करके दो, लेकिन वहाँ पर मुख्य तौर पर परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है कि हमारा मन किस स्थिति में है, हम परमेश्वर के प्रति कितनी विश्वास योग्यता रखते हैं, परमेश्वर के प्रति कितनी वफादारी रखते हैं, इस एक चीज़ को परमेश्वर हमसे देखना चाहते हैं। और वाकई में परमेश्वर के इस प्रावधान और इस प्रकार से परमेश्वर बिल्कुल निष्पक्ष है। हम
इस प्रकार से नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमें कम दिया ज़्यादा दिया, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रति निष्पक्ष है और हमें सब कुछ अपने समय से देता है। अगर हम यहोशू 17 अध्याय उसके 14 से 18 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष नहीं देता, हमें आशीष ही देता आया है, फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है। यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा है तो परिरज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल में है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है और बेतसान और उसके नगरों में रहने वाले और इज़राइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं उन सभी के पास लोहे के रथ है। फिर यहोशू ने क्या एप्रेम क्या मंस है, अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भागना मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि वह जंगल में है, परंतु उसके पेड़ काट डालो तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हों और उनके पास लोहे के रथ भी हों तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। और यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर यहोशू के पास यूसुफ की संतान यूसुफ के गोत्र के लोग आकर कहने लगे कि हम तो गिनती में बहुत हैं और हमारे लिए जो देश दिया गया है एक अंश दिया गया है वो छोटा है, और यहोशू उनसे कहता है कि उसके आसपास के जितने नगर हैं उन्हें भी तुम जीत सकते हो। और वाकई में परमेश्वर उनके साथ इस प्रकार से वफादारी करता है, इस प्रकार से उनके लिए न्याय करता है। अगर आप मत्ती 20 अध्याय उसके 1 से 16 में देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक और दृष्टांत का वर्णन मिलता है जिससे हमें और क्लियर होगा कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों के बीच में व्यवस्था करते हैं। स्वर्ग का राज किसी ग्रस्त के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाग की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से एक दिनार रोज कर ठहराया और उन्हें दाग की बारी में भेजा। और इस पूरी घटना में हमें यह देखने को मिलता है, अगर आप अंतिम में 14 अध्याय से 13 पद से पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार का वर्णन है, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, सॉरी मैं इससे और पीछे पढ़ना चाहूँगा 9 पद से, जब वे आए जो एक घंटा भर दिन रहे लगाए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्हें यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही दिनार मिला। जब मिला तो वह गृह स्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया, तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे एक दिनार ना ठहराया, जो तेरा है उठा ले और चला जा, मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूँ, क्या यह उचित नहीं, मैं अपने माल को चाहे जैसा करूं वैसा दूं, क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है। इस प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम होंगे और जो प्रथम है वे अंतिम किए जाएंगे। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर लोगों के बीच में चीज़ों को अलग अलग आशीषों से भरते हैं, और वाकई में उन आशीषों के प्रति हमें संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। और इन सब में जो बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें दी है, जो इन सब आशीषों से बड़ी आशीष है। आज हम दुनिया में देखते हैं तो लोग किस प्रकार से चीज़ों को पाने की लालसा रख रहे हैं, और हम इंटरनेट और सोशल मीडिया में जब हम देखते हैं तो लोगों में एक ऐसी दौड़ है, वो इस दुनिया में बड़ा बनना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, और
ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन लोग इनको एक इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो एक गलत रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। और वाकई में हमारी पीढ़ी के लिए ये बहुत ही एक दुख और एक बहुत ही एक दुविधा का समय है कि संसार में वो किस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को जाने और समझे। और वाकई में सुसमाचार हमें इस चीज को दर्शाता है, यीशु मसीह का, परमेश्वर का सुसमाचार हमें ये दर्शाता है कि दुनिया में कितना कुछ टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, और हम इस दुनिया में अपनी पहचान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ही हमारी केवल एकमात्र सच्ची पहचान है। यीशु मसीह ही हमारा एकमात्र खजाना है जिसको पाने की हमारे अंदर वो लालसा होनी चाहिए। अगर हम पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय 6 से 12 पढ़ते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, दूर रहे, और धर्मी धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस चीजों को हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए व्यवस्था की है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्रावधान और प्रयोजन किया है, हमें उन चीजों पर बहुत ही आनंद के साथ और बहुत ही संतोष उन पर करना चाहिए, और परमेश्वर को उनके प्रति हमें धन्यवादित करना चाहिए। अपने मन में हमें कुड़कुड़ाहट, अपने मन में हमें अपने आप को निराश नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति हमें धन्यवादित होना चाहिए। इसके साथ साथ परमेश्वर जो हमारे लिए विश्वास योग है, उसके प्रति दूसरा जो पॉइंट है, उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि परमेश्वर के वचन पालन के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप यहोशू 14 अध्याय 6 से 14 पढ़ेंगे तो आपको वो चीज का एक जिक्र मिलेगा। यहोशू 14 अध्याय उसका 6 से 14, तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उनसे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने का देश भरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने तुझे उस देश का भेद लेने के लिए कारदेश से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धराएगा वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का होगा। और अब देश देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इज़राइली जंगलों में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और मैं 85 वर्ष का हो चुका हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने और भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी देश मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी।
तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें से अनाकवंशी रहते थे और बड़े बड़े गढ़वाल वाले नगर भी थे, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उनको आशीर्वाद दिया, हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से अनुगामी करता था। मेरे प्रियो, अगर हम यहाँ पर वचन को देखते हैं तो हमें एक शख्स का, यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र मिलता है जिसका नाम कालेब है, जिस जो मूसा के समय में कालेब और यहोशू बहुत ही आज्ञाकारी थे, और बाद में हम देखते हैं कि यहोशू को इसराइलियों को अगुवाई करने के लिए ठहराया गया, लेकिन कालेब मूसा के समय से आज्ञाकारी था और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मूसा ने कालेब से इस चीज़ का आशीर्वाद दिया था, इस चीज़ का वादा किया था कि जो जिस स्थान पर तेरे पांव पड़ेंगे वो देश तेरे और तेरे वंश के लिए, तेरी पीढ़ी के लिए हो जाएगा। और आज कालेब ने जो आज्ञाकारिता पूरी की थी उसको यहोशू के सामने वर्णित करता है और किस प्रकार से परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार कालेब को वो देश जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वादा कराया था वो आज उसको मिल जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि आज्ञाकारिता कितनी महत्वपूर्ण और कितना मायने रखती है परमेश्वर के लिए। और इससे हमें इस चीज को जानने की बहुत ही जरूरत है कि परमेश्वर जो हमारे लिए विश्वास योग्य है, हमें परमेश्वर के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी होना चाहिए। उनमें कुछ बातों को हम और भी जानना चाहेंगे कि जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, तो पहला पॉइंट है कि जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो इससे हम जो हमारा प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो प्रकट होता है। अगर आप पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 2-3 में पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से यह हम जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानती हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं, अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति हम प्रकट करते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो इससे हम अपनी विश्वास योग्यता को परमेश्वर के प्रति प्रदर्शित करते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 3-6 में लिखा हुआ है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचनों पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह चलता था। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम अपने विश्वास योग्यता को प्रति हम अपनी विश्वास योग्यता को परमेश्वर के प्रति प्रदर्शित करते हैं। और वाकई में परमेश्वर के प्रति जब हम अपनी विश्वास योग्यता को प्रदर्शित करते हैं तो ये बहुत ही एक धन्य बात है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है। और वाकई में ये तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के प्रति जब हम अपनी आज्ञाकारिता को पूरा करते हैं तो इससे संसार में परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, जो कि पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ सकते हैं कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर जिनके कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। और वाकई में जब हम आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर के नाम की महिमा होती है इस संसार में, हमारे आसपास के लोगों में, जब हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाकारिता को वो लोग देखते हैं।
और परमेश्वर की आज्ञाकारिता हमारे लिए आशीष के रास्ते खोल देती है। इसको हम यूहन्ना 13:17 में देख सकते हैं कि जो बातें जानते हैं तुम, जो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो तुम धन्य हो। और वाकई में परमेश्वर की ओर से आशीष के रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में आगे बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, अनगिनत तरीकों से हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं, और इन सब में परमेश्वर का जो छुटकारा का कार्य है वो सबसे बड़ी चीज हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। और वाकई में आज के दिन में परमेश्वर की ओर से मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारे लिए विश्वास योग्य है, और हमें परमेश्वर की व्यवस्था और उसके प्रयोजन में संतुष्ट और आनंदित होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। लेकिन हमें कुछ सवालों को अपने आप से पूछना है कि परमेश्वर के प्रति जब हमारी आज्ञाकारिता है, फिर भी हमें पाप से दूर रहना, पाप से भागना क्यों कठिन लगता है जबकि हम पाप के बंधन से छूट चुके हैं। एक और सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो अभी भी हमारे मनों में वो बुरे विचार, वो व्यभिचार, वो वासना वाले विचार क्यों आते हैं, क्यों हम इतनी मुश्किलों में पड़ जाते हैं? अभी भी परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है तो हम क्यों सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर तमाम वीडियोस हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखने के लिए जो हो सकता है बहुत ही व्यभिचार से भरी हुई चीजें हैं, हम उनके लिए क्यों आगे बढ़ने लगते हैं, क्यों हम उनके लिए इतनी इच्छा, क्यों हम उन पर अपनी शांति को, अपनी संतुष्टि को ढूंढने लगते हैं, जबकि हम इस चीज़ को जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया है और हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है और हमारे पापों से हमें उद्धार दिया है। फिर भी हम इस संसार कि इन तमाम बुरी बातों पर क्यों अपने मन को लगाकर संतुष्टि को, अपने मन की शांति को ढूंढते हैं? परमेश्वर पिता ने हमें क्षमा किया है तो आज हमारे लिए क्षमा करना इतना कठिन क्यों हो जाता है? एक और सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, अगापे प्रेम हमारे लिए भरपूर मात्रा में है, लेकिन हम क्यों दूसरों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं? परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान को जानते हुए क्यों नहीं यीशु मसीह की इच्छा को जानने के लिए उसके पीछे हम चलने के लिए अपने मन में विचार कर पा रहे हैं? और वाकई में ये सारी चीज़ें हमें अपने आप से आज हमें पूछना है। मेरे प्रियो, ये सवाल हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता से दूर क्यों भाग रहे हैं, क्यों हमारे लिए ये मुश्किल होता है, क्यों हम ये भूल जाते हैं, क्यों हम इस चीज़ को महत्व नहीं देते हैं कि हम सुबह उठकर परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में और वचन में और बाइबल अध्ययन करके हम समय बिताएं, क्यों हम इससे दूर सुबह उठते ही अपने कामों में लग जाते हैं, अपने फ़ोन को चेक करने लगते हैं, अपने दुनिया की तमाम कामों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं परमेश्वर के साथ समय बिताने की तुलना में? क्यों हम इतनी सारी चुनौतियों का, जब हम कॉलेज में होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, जब हम अपने आस पड़ोस में होते हैं, क्यों हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन को एक किनारे रखकर हम अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को पहला स्थान देने लगते हैं? जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हम क्यों तमाम जिस सीरियल को हमने देखा है, जिस वीडियो को हमने देखा है, उसको हम अपने मनों पर विचार करते हैं, क्यों नहीं हम अपनी आँख को परमेश्वर ने हमारे लिए जो दिन भर में किया है, क्यों हम उसको धन्यवाद, हमारे अंदर वो विचार, हम उसको धन्यवाद देने के विचार क्यों नहीं आ पा रहे हैं? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है विश्वास योग्यता, क्यों हम उससे विपरीत
भागने की कोशिश करते हैं। इज़राइल के लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं थी मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा के रूप में हमें सहायक दिया गया है। जरूरत है कि हम उस पवित्र आत्मा को बहुत ही एक सहायक के तौर पे आज अपने जीवन में हम उसको ग्रहण करें और अपने पापों के प्रति पश्चाताप करें और अपने मन को फिराएं और वाकई में परमेश्वर की आज्ञाओं पर आगे बढ़ते रहने की हम अपने अंदर इच्छा रखें। मैं अंतिम में इस वचन को पढ़ना चाहूंगा जो रोमियो 8 अध्याय उसके 1-4 पद में लिखा हुआ है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया है, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हम सब के लिए आज खुला हुआ है। परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य आज तक बने रहे हैं और जरूरत है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए व्यवस्था और प्रावधान किया है हम उसमें आनंदित हों और संतुष्ट रहें और उसके बदले में परमेश्वर के प्रति जो हमारी आज्ञाकारिता है हम उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। और आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको लगातार आज्ञाकारिता में बढ़ते रहने के लिए अनुग्रह करें। आइए हम प्रार्थना करें और इस वचन प्रचार को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु। अभी आज हमने जो यहोशू 14 अध्याय से 19 अध्याय तक जो अध्ययन किया और आपने हमें इस चीज़ को जानने के लिए मदद किया कि आप हमारे प्रति कितने विश्वास योग्य रहे, हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव और कमियां और घटियां आई लेकिन फिर भी आपकी व्यवस्था आपका प्रयोजन हमारे साथ रहा है। हमारी प्रार्थना है कि आपने जो हमारे लिए प्रयोजन और व्यवस्था की है हम उसके प्रति आनंदित होने हो सके, हम उसके प्रति संतुष्ट होने वाले बन सके। हमारी प्रार्थना है कि आपकी विश्वास योग्यता जो आपने हमारे साथ की है हम भी उस विश्वास योग्यता के प्रति आज्ञाकारिता में आगे बढ़ सकें। आप हमारी मदद करें कि हम इस दुनिया के अनुसार नहीं बल्कि आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीकर आपकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ सकें, जिससे कि आपके नाम को महिमा मिलने पाए, जिससे कि आपके नाम को ऊंचे पे उठाया जा सके। ऐसी हमारी प्रार्थना है, आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। धन्यवाद।